नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री में ठोस अवस्था के अंतर्गत आज हम क्रिस्टल में त्रुटि, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल या क्रिस्टल दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रिस्टल में तीन प्रकार की त्रुटि हो सकती है। पहला आप देख रहे हैं स्टाइकियोमेट्रिक अर्थात रस सम्मितीकरण दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक अर्थात अरस सम्मितीकरण दोष और अशुद्धता दोष यानी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। रस सम्मितीकरण दोष का मतलब ये होता है कि क्रिस्टल में दोष होने के बाद भी जो आयन का रेशो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरस सम्मितीकरण में आयन के रेशो में अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। रस सम्मितीकरण दोष दो प्रकार के हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। सबसे पहले है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष कब उत्पन्न होता है? जब क्रिस्टल जालक से निश्चित संख्या में धन आयन और ऋण आयन बाहर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्रिस्टल में शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि एक धन आयन और एक ऋण आयन क्रिस्टल जालक से बाहर जा चुके हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में यहाँ पर कमी आएगी और उसकी जालक ऊर्जा में भी कमी होगी। दूसरा दोष है फ्रेंकल दोष। क्रिस्टल जालक से जब केवल धन आयन अपने स्थान से बाहर निकलकर उसी जालक के अंतरकोशीय स्थान में चला जाता है तो फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं धन आयन अपने स्थान से निकला है, तीर के द्वारा दर्शाया गया है, और जो क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान था वहाँ पर जाकर के फिट हो गया है। ये उदाहरण मिलेगा आपको सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड में। अब इससे क्या परिवर्तन होगा? धन और ऋण आयन की संख्या तो समान होगी अर्थात रेशो अनुपात समान है, लेकिन यहाँ क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, जबकि शॉटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी हुई है। सिल्वर ब्रोमाइड यानी HGBr एक ऐसा उदाहरण जिसमें दोनों दोष मिलेंगे, शॉटकी दोष भी और फ्रेंकल दोष भी, अक्सर पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं हम धातु आधिक्य दोष की। तो ये जो अरसमितिकरण में दो प्रकार है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। उसमें से हम पहले बात करते हैं धातु आधिक्य दोष। गर्म अवस्था में क्रिस्टल जालक से ऋण आयन बाहर निकल जाए तो ऐसी स्थिति में धन आयन के बनने से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वह इलेक्ट्रॉन उस ऋण आयन की रिक्ति में चला जाता है और उस स्थान पर F सेंटर या F केंद्र बन जाते हैं। F केंद्र जहां देख रहे हैं वहां पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन आया कहां से? धन आयन बना। धन आयन जैसे बना इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, इलेक्ट्रॉन जैसे मुक्त हुआ ऋण आयन जो यहाँ से गया था उस स्थान पर ये जाकर के फिट हो गया। उदाहरण सोडियम क्लोराइड। दूसरा है धातु न्यून दोष। कुछ क्रिस्टलों में धन आयन जालक की सतह से हटकर धनात्मक आवेश अन्य धन आयन पर आ जाते हैं, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं जो ये बीच वाला जो लाल केंद्र है यहाँ से धन आयन निकला और नीचे वाले धन आयन में जाकर के फिट गया, तो वहाँ धन आयन के बढ़ने से जो है असंतुलन उत्पन्न हो गया, अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पर Fe2+ का Fe3+ में परिवर्तन होना। तो आयरन सल्फाइड ये इस प्रकार का उदाहरण है जिसमें धातु न्यून दोष उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष दो प्रकार के होते हैं, परमाणु की अशुद्धता, आयन की अशुद्धता। परमाणु अशुद्धता जब किसी क्रिस्टल जालक में किसी छोटे परमाणु की अशुद्धि मिला देते हैं तो परमाणु अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है, जैसे आयरन में कार्बन को मिलाने पर। आयन अशुद्धता जब किसी क्रिस्टल जालक में धातु आयन की शुद्धि मिला देते हैं तो आयन की अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है, जैसे गलत सोडियम क्लोराइड में गलत स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड SrCl2 मिलाने पर Na धन आयन Sr2+ आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार से आयन जो है
यहाँ पर असंतुलित हुआ है, इसलिए आयन की अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है। तो ये थे क्रिस्टल में प्रमुख दोष, और ये दोष इस प्रकार के हैं कि इनसे रिलेटेड जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अक्सर आते हैं। आशा है आपको इनके नोट्स बना करके आप इनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। धन्यवाद।